नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल आप अपने मोबाइल में कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, तो गाइस अगर आप चाहते हैं किसी भी नंबर का कॉल डिटेल निकालने के लिए तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस नंबर का कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम E2PDF है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो गाइज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर जो भी परमिशंस है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको राइट टिक कर लेना है। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देन आपको PDF बैकअप के नीचे आपको क्लिक टू कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं तो सेकंड नंबर वाले जनरल कॉल लॉग पर आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहां से आप अपनी कॉल लॉग डिटेल्स निकाल सकते हैं और डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल भी आप यहां से आप अपनी आदि सभी कॉल्स को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स PDF के रूप में। तो यहां से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से चलिए मैं यहां से 5 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 2022 तक की मैं कॉल डिटेल निकालना चाहता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर इंटर आउटपुट फाइल का एक नेम दे देना है। तो चलिए यहाँ पर कोई भी एक नेम आपको दे देना है। तो चलिए यहाँ पर फाइल का नाम देने के बाद आपको एक्सपोर्ट टू PDF पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद इसको हमें एग्जिट कर देना है। इसके बाद हमें अपनी फाइल मैनेजर पर चले जाना है। वहां पर जाने के बाद PDF फाइल को जिस नाम से सेव किया है तो उस फाइल को हम अपने उस फाइल मैनेजर में ढूंढेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी फाइल मैनेजर पर E2PDF के नाम से यहां पर आपकी फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। देन आपको उस E2PDF पर आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको जिस फाइल के रूप में आप खोलना चाहते हैं उसे वहां पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको ड्राइव PDF व्यूअर पर आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा कॉल डिटेल्स है तो पूरा का पूरा यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज आप भी इसी तरह से किसी भी नंबर की कॉल डिटेल्स अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।